अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मुबारक हो, रमज़ान मुबारक स्टार्ट हो गया। तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि जो जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो जो मेरे फ़ैन फॉलोइंग्स, मतलब जो भी हैं दोस्त हैं, तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि रमज़ान में आपने कोशिश करनी है। रमज़ान में क्या पूरी ज़िंदगी में मतलब एक ना सीक्वेंस बनाएं कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला को राज़ी करें। क्योंकि दुनिया को राज़ी करोगे ना, दुनिया राज़ी नहीं होगी। अल्लाह ताला को राज़ी करोगे, अल्लाह ताला राज़ी होंगे, और उसका ये फ़ायदा होगा कि आपकी दुनिया भी आसान, आखरत भी आसान। ठीक है, तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं यूट्यूब से कितना कमा लिया, हमें बताओ, हमने भी यूट्यूब स्टार्ट करना। तो भाई, यूट्यूब स्टार्ट करना हर बंदे का काम तो नहीं है, मतलब स्टार्ट तो हर कोई कर लेता है, मगर अच्छा तो ये है कि जब कोई उसको ग्रो भी करे, मतलब जब वो उस चैनल पे अपने आप ग्रो करे, अपनी मेहनत करे। मतलब कुछ लोग ऐसे देखे हैं, मेरे अपने दोस्त भी देखे हैं कि ना, जो यूट्यूब पर आए हैं 1-2 महीने आए हैं, उसके बाद उन्होंने चैनल छोड़ दिया। क्या कहते हैं जी, कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई, फ़ायदा एकदम नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, मेहनत करोगे तो सब कुछ होगा, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह पाक खैर करे। बाकी मैं एनालिसिस अपने यूट्यूब पे देखता हूँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोज़ को सिर्फ व्यू करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर लाजमी किया करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने का फ़ायदा ये होगा, मैंने पहले भी बताया कि जो भी मेरी वीडियो न्यू आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बाकी यार, मैं अपने ना व्लॉग इसलिए नहीं बना रहा था, मैंने पिछले दिनों में, मतलब लास्ट टाइम जब व्लॉग अपलोड किया, तो उससे पहले मैंने एक टिंट करवा ली थी अपनी। तो मेरे बाल बहुत छोटे थे, अभी कुछ अर्सा गुजरा है, मतलब मेरे बाल थोड़े से मतलब बड़े हो गए हैं। तो अब मतलब वीडियो बनाने में भी मुझे ना तंगी नहीं हो रही। पहले मुझे ना एक ना अजीब सी फीलिंग आती थी कि यार, मैं ना ढक्की भाई की इतना गंजा हो गया हूँ, जैसे ढक्की भाई गंजे हो गए, मैं भी गंजा हो गया हूँ। नहीं, मतलब मुझे इस तरह की फीलिंग आती, तो मैंने अपनी वीडियो बनानी छोड़ दी। मैंने कहा नहीं, वीडियो नहीं बनानी मैंने जब तक मेरे बाल नहीं आएंगे। तो अब थोड़े बहुत बाल आ गए हैं, थोड़ा बहुत सेट किया अपने आप को, तो अभी व्लॉग स्टार्ट किए हैं। A few moments later. तो आज हम अफ्तारी खुद बनाएंगे, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी ये कुछ आलू मैंने काट लिए हैं, अभी कुछ काट रहा हूँ। तो चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब आगे वॉइस ओवर ही आएगी आपके पास, क्योंकि मैं ना वॉइस करना ही भूल गया था। तो अभी ये स्ट्रॉबेरी जूस बना रहा हूँ मैं। उसके बाद स्ट्रॉबेरी जूस के लिए मैंने सबसे पहले ना स्ट्रॉबेरी डाली है, फिर दूध डाला है। जब दूध मिक्स हो गया इसमें, उसके बाद मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी है। शुगर भी मैंने ऐसे डाली है बगैर देखे देखे, मतलब नहीं देखा कितनी सारी है, कितनी कम है। इसका काम के बाद मैंने उसको मशीन में डाला और बटन दबा दिया। अभी ऐसे गोल गोल घूम रहा है, जैसे चर्स चर्स पी के घूम रहा होता है। ये भी बेचारा डर गया, कहता ये हो क्या रहा है। और इसको देखो जी, अच्छा जी। अभी उसके बाद मैंने प्याज काटे हैं। प्याज काटते काटते मुझे इतना रोना आ रहा था, जैसे मुझे किसी ने थप्पड़ मार मार के रुला दिया हो। और देख सकते हैं कितनी स्पीड में काम कर रहा हूँ मैं। अभी मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाई है, शॉर्ट बना बना के मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया। मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ तो अपलोड करें ना। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, उसके बाद मैंने जी जो पकौड़े का सामान बना के रखा हुआ था वो मैंने बना लिया। उसके बाद अब मैं फ्राई कर रहा हूँ उसको। फ्राई करते करते मुझे डर लग रहा था भाई मेरा हाथ ही ना जल जाए, बना रहा फर्स्ट टाइम था, मगर कुछ समझ भी नहीं आ रही थी, मैंने लगा पड़ा था, जल लगा पड़ा था। ये देखो और कमेंट करो, बताओ कैसा बन रहा है, सही बन रहा है या ब्यूटीफुल। उसके बाद हमारा सारा सामान रेडी हो गया। थोड़े से चावल थे, दही बल्ले थे, जूस भी मैंने बनाया था आपके सामने, ये भी पकौड़े आपके सामने बनाया था, ये दही बल्ले एक साइड बनाए थे मैंने। मतलब उसके बाद अफ्तारी करने के बाद हम गए तरावी पे। तरावी करने, आप सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी तरावी पे कैसे चले गए। भाई, हमने जाना होता है थोड़ा घर से ज़रा दूर तरावियों के लिए, मतलब वहाँ पर पढ़ानी भी होती है और सुननी भी होती है, मतलब ये इस तरह का सीन है। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ता है, तो मैं ना अफ्तारी करके फ़ौरन नमाज़ पढ़ के चला जाता हूँ। जाते जाते मुझे इशा हो जाती है आराम से। तो अभी जा रहे हैं, अभी मुल्तान वाले गैस करो ये कौन सी जगह है। अगर गैस कर लिया तो आप लोगों का इनाम। A few moments later. उसके बाद ये ट्राई में पढ़ने के बाद वीडियो बना सकते थे। पीछे तू देखो। और जी व्यू चेक करो बस, बाकी छोड़ो। व्यू चेक करो बाकी छोड़ो, कमेंट करके दसो कि मज़ा आ रहा है। अभी हम वापस घर की तरफ निकल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रात बहुत हो गई है और इतना टाइम भी नहीं था तरावियों के दरमियान कि मैं वीडियो बना सकता कि मैं तरावी में आया हूँ, क्योंकि तरावी में सबसे पहली सफ में हमने खड़ा होना होता है, तो इस वजह से वीडियो नहीं बनाई। तो अभी हम घर जा रहे हैं,
अभी फिर वही जगह पे आ गए हैं जहाँ पे लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कमेंट करो हम कहाँ पे आ गए हैं। तो इस टाइम हम तराजा पढ़ा के घर आ गए हैं। तो व्लॉग को यहीं एंड कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।